लाइव न्यूज, मैं हूँ प्रभात कुमार रंजन। अभी मैं पिपरा के NH-27 इंडियन पेट्रोल पंप पर पहुँचा हूँ, जहाँ बीती रात सरकार के निर्देशानुसार पेट्रोल और डीजल पर घटते रेट को लेकर जनता में जो खुशी की लहर है उसको मैं देखने और दिखाने के लिए अभी मैं पहुँचा हूँ NH-27 पिपरा पेट्रोल पंप, ओम पेट्रोल पंप के पास, जो इंडियन कंपनी की है, इंडियन ऑयल NH-28 पिपरा पेट्रोल पंप के पास जो पैसा हूँ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर प्रोपराइटर यानी यहाँ के व्यवस्थापक हमारे जो यहाँ CB सिंह हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि तेल की जो रेट घटी है इस पर इनकी व्यवसाय पर पहले क्या असर था और क्या असर आज इनकी क्या दिख रही है। मैं इनसे बात करूँगा कि क्या बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? CB सिंह, चंद्रभूषण प्रसाद सिंह जी। यहाँ के आप क्या मैंने किस पद पर हैं? ओम ऑटोमोबाइल्स पिपरा पर जी व्यवस्थापक के रूप में है। व्यवस्थापक अभी जो यहाँ पर तेल की जो रेट घटी है बीती रात डीजल और पेट्रोल पर, पहले तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती थी या आज भीड़ लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है? न, पहले से अभी भीड़ लग रही है। जनता को सहूलियत दिया गया है इसमें, जैसे एक्साइज ड्यूटी में जो कमी हुई है उसमें जनता को फायदा है, कृषक को भी फायदा है। जैसे मान लीजिए कि चिलचिलाती धूप में किसान जो तराही देते हैं और उसके बाद में वर्षा होती है, वो जो खुशी है, थोड़ा सा और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, बिहार सरकार भेंट पर ध्यान दे तो जनता को और खुशी होगी। चलिए, इसके लिए अभी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जनता को इसमें चाहिए। थोड़ा सा रिबेट ये कर दिए हैं, थोड़ा बिहार सरकार राज्य सरकार जो भेंट करता है वो थोड़ा कम है तो जनता और खुशहाल हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पर जो मोटरसाइकिल से तेल भरवाने के लिए लोग आए हुए हैं, अब इनसे भी मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर पहले तेल भरवाते थे तो क्या महसूस होता था, आज रेट की पेट्रोल की रेट घटी हुई है तो क्या इनको लग रहा है। आप तेल भरवा लिए? तेल भरवाए हैं, कितना में भरवाए हैं? 108 रुपये 52 पैसे। बीते दिन तो आपका काफ़ी यहाँ पर तेल बढ़त में जाती थी और तेल आपको घाटा में मिला है, यानी तेल की रेट की घटोतरी हुई है। आप अभी तेल के घटे रेट में जो भरवाए हैं इसमें क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को इतना पैसा का बचत है। आप लोग भी तेल लेने आए हैं तो क्या तेल की रेट में घटोतरी हुई है, घटा है, तो इससे क्या महसूस हो रहा है? अच्छा है, घट गया तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा है। तेल अभी भरवाए हैं आप? नहीं, अभी नहीं भरवाए, भरवाने जा रहे हैं। भरवाने जा रहे हैं जी। ठीक है, अभी भरवाइए। मोटरसाइकिल चालक जो आए हुए हैं वहाँ पर देखिए कि तेल भरवाने आए हैं, रेट जो घटी हुई है उस पर देखा जाए कैसे क्या देख रहे हैं। पहले आप तेल भरवाते थे जी? पहले आप तेल भरवाते थे, आज रात तेल घटी है, तेल का रेट घटा हुआ है, इसमें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है सर। कितना तेल का रेट घटा हुआ है? 9 रुपये कुछ पैसा घटा है। चलिए, इससे क्या महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुजीत गिरी। घर कहाँ हुआ? हमारा घर पड़ेगा महानवा। ठीक है, इससे इनको काफ़ी खुशी मिल रही है कि तेल का रेट भी घटा है और इससे काफ़ी जनता को भी खुशी मिल रही है। चकिया प्रभात कुमार रंजन है गाड़ी में और गाड़ी के जो मालिक हैं यहाँ पर, इनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर में जो रात डीजल की घटोतरी हुई है इसमें इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? जी मुकेश पुरोहित। जी मुकेश पुरोहित। मुकेश पुरोहित, अभी बीती रात जो डीजल में घटोतरी रेट की हुई है इसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। पहले आप कितना में भरवा रहे थे? 103 रुपया था। 103 जी, अभी 95 रुपया 21 पैसा है। यानी अभी जो रेट घटा है बीती रात तो इसमें अभी डीजल जब भरवाते थे पहले और आज भरवा रहे हैं तो कैसा महसूस? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी कुछ तो कम हुआ, कम्प्रोमाइज हो गया। चलिए, अभी यहाँ पर डीजल की घटोतरी के लेकर के जो गाड़ी वाहन आज तेल भरवा रहे हैं उनमें काफ़ी उनकी निजात मिली। पेट्रोल पंप पर जब पहुँचा हूँ जहाँ पर देखिए कि रात की केंद्र सरकार के द्वारा जो रेट की घटोतरी डीजल और पेट्रोल की हुई है और रेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेट के अनुसार वाहन वाले चालक या वाहन के मालिक जो तेल भरवा रहे हैं उसमें क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं। क्या नाम हुआ? महेश कुमार। महेश, हाँ नहीं, मैं यूपी से आए हैं, बहुत ही सही काम किए हैं
अभी अभी जो तेल की रेट जो घटी है, यह रेट जो आप तेल बीती रात जो घटी है रेट, इसका इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इस पर कम होना चाहिए, है नहीं? चलिए, इनका कहना है कि अभी तो काफ़ी रेट है, अभी भी कुछ निजात आई है, अगर इससे भी ज़्यादा कम होती है तो हम लोग को काफ़ी और खुशी होगी, और केंद्र सरकार को ये बधाई भी दे रहे हैं। क्या बधाई किस प्रकार से देना चाहते हैं? नहीं, बधाई बहुत बहुत बधाई है, इससे महंगाई भी कम होगी, जब तेल का रेट कम होगा तो महंगाई भी होगी, पब्लिक में और अलग संदेश जाएगा ना। चलिए, इस तेल की घटोतरी से, अब इस तेल की घटोतरी से, रेट की घटोतरी से अब लग रहा है कि किसान